सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सुशांत के प्यार को रिया ने हथियार बना लिया। ये इस वक्त की अयोध्या से जो सबसे बड़ी खबर है, हिंदुस्तान में राफेल इन, जिनपिंग का प्रोपेगेंडा आउट। वैसे तो हिंदुस्तान में राफेल विमान आने में अभी कम से कम 36 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक वर्चुअल राफेल विमान में। जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ राफेल के कॉकपिट में, यहाँ पर बैठ के एक अलग ही ताकत का अंदाजा होता है। दुश्मनों को अब सोचना होगा, ये हुंकार जो राफेल भर रहा है इससे दुश्मनों में हाहाकार होगा। जब इसके कॉकपिट में आप बैठे हो ना, तो आपको लगता है कि दुनिया आपकी मुट्ठी में, क्या पाकिस्तान क्या चीन, सब कुछ आपके सामने सिफर है। क्योंकि राफेल के कॉकपिट का जो मजा है उसका अंदाजा ही अलग है। मेरे एक तरफ चीन का फाइटर जेट चेंगदू J-10 है, दूसरी ओर पाकिस्तान का F-16। लेकिन यकीन मानिए, राफेल के हवा में उड़ते ही ये दोनों कागजी शेर कुछ इस तरह छूमंतर हो जाएंगे, क्योंकि आसमान का बादशाह अब हमारे पास है। इस वक्त की अयोध्या से जो सबसे बड़ी खबर है, वो सबसे बड़ी खबर ये है कि सिर्फ 32 सेकंड के भीतर पीएम रखेंगे नींव। राम मंदिर निर्माण में अहम योगदान यूपी के शहर एटा को भी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ बन रहा है 2100 किलो का घंटा। दशरथ नंदन की नगरी में शोखड़ी आई है। जय श्री राम। ये परमात्मा ने आपको कितना बड़ा अवसर दिया है, ये सबसे बड़ी लड़ाई अगर जो किसी ने लड़ी है साधु सन्यासियों के बाद, तो वो जी ने लड़ी, आप जानते हैं। An old undated video of Rhea Chakraborty, which has now gone viral, where she can be heard boasting about being able to control her boyfriend with ease, calling herself the real Dawn, with her boyfriend being her chota mota gunda. तो क्या रिया ने सुशांत से मोहब्बत नहीं की? क्या रिया ने सुशांत के साथ सिर्फ प्यार का नाटक किया? तो गौरी लंकेश के लिए जिन जिन लोगों ने मुहिम चलाई थी, वो इस बात पर चुप क्यों हैं? पूछता है भारत। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सुशांत के प्यार को रिया ने हथियार बना लिया? खोल दूं पोल, मैं खोल दूं सबकी पोल, खोल दूं मैं।